अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परवनी के प्रिय दर्शनीय इंदिरा गांधी स्टेडियम मैदान पर प्रजासत्ताक दिन के 73वें वर्षगांठ पर जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इनके हाथों मुख्य तिरंगा फहराया गया। इस समय बाल विवाह मुक्त परवनी का संकल्प इस मुहिम में सभी शामिल रहने का आह्वान जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने किया। इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, एसपी श्रीमती राग सुधार, जिला परिषद सीईओ विनय मुन, मनपा के आयुक्त तृप्ति साणबोर, अपर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रताप काले, जिला ग्राम विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक श्रीमती रश्मि खांडेकर, निवासी उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर, उप विभागीय अधिकारी दत्तू शेलके, उप जिला अधिकारी श्रीमती स्वाति धबाड़े, डॉक्टर अरुण धराड़, निवृत्ति गायकवाड़ डॉक्टर सुशांत शिंदे, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती मंजूषा मुथा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर संदीप घोंसीकर, जिला सर्जन डॉक्टर सुहास जगताप, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल गीते के साथ आजादी के सेनानी और संबंधित विभाग के अधिकारी हाजिर थे। इस समय जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने आजादी के सेनानी, रिटायर फौजी, शहीद जवान के वीर माता, वीर पत्नी और अन्य हाजिर लोगों से मुलाकात कर प्रजासत्ताक दिन की बधाई दी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ जुनेद सैयद ये आज तारीख 26 जनवरी 2023 गुरुवार के रोज परवनी के राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक सूफी संत हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के मौके पर परवनी दौरे पर आए हुए थे। इस समय जिला वक्फ ऑफिस में सीईओ जुनेद सैयद इनका सत्कार इनामदार मुतवली सज्जादा एंड ट्रस्टीज फेडरेशन वक्फ के जिला अध्यक्ष शेख चांद शेख नबी, इनके अलावा उनके पदाधिकारी और जिला वक्फ ऑफिस के अतीक खान, पेंशनर, उप जिला कलेक्टर विश्वमर गवांडे, जिला वक्फ अधिकारी रफीक शेख, इन्होंने सत्कार किया। उसी तरह नुमाइश दुकानों के और जगह देने के लिए नियुक्त किए गए अभिकर्ता गुत्तेदार रत्ना इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर मोहम्मद अयूब मोहम्मद गनी, इरफान रूबी और इनके अलावा वक्फ कर्मचारी आरम खान, इनके साथ पेंशनर जिला वक्फ अधिकारी शेख जिलानी, शेख नजीर भाई मोहतरम, पत्रकार अशरफ खादरी आदि ने सत्कार करते हुए स्वागत किया। इस समय डीपीटी सीईओ और उर्स के मैनेजमेंट अधिकारी खुसरू खान और मुदस्सिर क्लर्क सैयद अहमद जमील खान आदि हाजिर थे। स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान, अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज, अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट, हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अप्रोस, एशियन एक्शन, लैंसर, क्वालिटो, नाइकी, रिबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर, सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेस। अल्पसंख्यक दिन पर नजरअंदाज करने वाले जिला अधिकारी के खिलाफ लोक सेना संगठन का आक्रोश आंदोलन। अल्पसंख्यक समाज के प्रश्नों की ओर उदासीन भावना से नजरअंदाज करने वाले जिला प्रशासन का जाहिर निषेध करने के लिए और शासन प्रशासन ने अल्पसंख्यक समाज के मांगों को तुरंत मंजूर करे, इसके लिए लोक सेना संगठन प्रमुख एडवोकेट प्रोफेसर इलियास इनामदार, इनके मार्गदर्शन पर जिला अध्यक्ष सुफियान मनियार, इन्होंने प्रजासत्ताक दिन पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने आक्रोश आंदोलन पुकारा गया। 18 दिसंबर ये दिन जागतिक स्तर पर अल्पसंख्यक हक दिन के तौर पर समूचे जिले के जिला कलेक्टर इनके अध्यक्षता में मनाया जाता है, लेकिन बीड़ के कलेक्टर इन्होंने इस दिन की बैठक अल्पसंख्यक के जिम्मेदारों के साथ नहीं लेते हुए उदासीनता दिखाई, जिसके कारण कलेक्टर का निषेध व्यक्त करने के लिए 26 जनवरी 2023 प्रजासत्ताक दिन पर लोक सेना संगठन की ओर से आक्रोश आंदोलन किया गया। आंदोलनकर्ताओं से जिला कलेक्टर वहां पहुंचकर 4 फरवरी शिक्षक मतदान संघ की आचार संहिता खत्म होते ही 2 से 3 दिन के अंदर बैठक लेने का लेखी आश्वासन दिया गया,
इस समय लोक सेना संगठना के प्रमुख एडवोकेट प्रोफेसर इलियास इनामदार, जिला अध्यक्ष सुफियान मनियार, एडवोकेट कलीम काजी मौलाना जफर काजी, मोइन मास्टर फारूक पटेल, एडवोकेट शेख शफीक मुश्तफा खान सर, कांग्रेस के शेख मोहसिन मुकरम जान पठान, इमरान जागीरदार, शेख निजाम सरकार, शिवसेना जिला प्रमुख अनिल जगताप, वंचित के जिला अध्यक्ष उद्धव खांडे, बबन वडवारे, अयाज अख्तर, डॉक्टर इदरीस हाशमी, नबील जमा, शेख वजीर अफरोज अतार, शाह अल्पसंख्यक संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट जेबा शेख, वागमारे ताई, शेख हिना, इमरान शाह मौलाना, तारिक अनवर शेख, अफवान सोहेल तांबोली, शेख आरिफ, शेख सादिक, शेख नदीम, शेख तोहिद, फरियाद खान, सैयद अरशद, अयान शेख, इरफान कुरैशी, प्रोफेसर रफीक बागवान, शेख जाकिर, नवीद इनामदार, इमरान फारूकी, सैयद अजहर, सैयद लुकमान, अरबाज शेख, शोएब शेख, साहिल शेख, इमरान खान, फैजान खान, शाहनवाज खान, शेख आरम, संविधान ग्रुप के राजेश शिंदे, मोइज बेग, खुर्शीद हुसैन, शेख अयुब मुनीर, शेख वसीम, शेख कलीम, शेख रफीक, सालेम भैया, रजी शेख के अलावा बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लोग शामिल थे। इस आए हुए सभी का आभार अयाज अख्तर इन्होंने माना। सोनपेट शहर के कारगिल युद्ध में शहीद राष्ट्रपति शौर्य पदक विजेता मुंजाभाऊ तेलभरे, इनके स्मरणार्थ बनाए गए शहीद मुंजाभाऊ तेलभरे चौक का आज तारीख 26 जनवरी के दोपहर के समय लोक अर्पण सम्मेलन मान्य गणों के हाजिरी में संपन्न हुआ। प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर रंगनाथ महाराज प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित किए गए शहीद मुंजाभाऊ तेलभरे चौक का सुशोभीकरण का लोकार्पण सम्मेलन का उद्घाटन तहसीलदार सारंग चौहान, वीर पत्नी शारदाबाई तेलभरे इनके हाथों किया गया। इस समय अध्यक्ष के तौर पर अंकुश राव जी शिंदे, जिला अध्यक्ष परिवर्तन सैनिक महासंघ परमनी और उसी तरह से 23 जवानों की इसमें प्रमुख हाजिरी रही। इस समय एपीआई संदीप बोरकर, नगर परिषद के सीओ विठल केदारे के साथ शहर के सभी नागरिक इस समय प्रोग्राम में हाजिर थे। सर्व सोनपेटकरांच्या वतीने श्री जगन्नाथ चामे, नायक जगन्नाथ चामे यांना विनंती आहे की आपण मंचावर विराजमान व्हायचं आहे। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा बर्थडे पार्टी रसम व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तियाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार, लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें, इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में चार चांद लगाएं। एड्रेस जमजम कॉलोनी चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड पर भनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। गारान धारकों के हक के लिए प्रजासत्ताक दिन पर रक्तदान कर धरने आंदोलन किया गया। गारान जमीन पर घरों को जीसीपी लगाकर गिराने की शुरुआत हुई है। कल लातूर उस्मानाबाद जिले के गारान धारकों के घरों को एक ही समय में कई जीसीपी लगाकर गिराते हुए प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। इसलिए समूचे महाराष्ट्र के गारान धारकों में अस्वस्थता का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसी हालात परवनी में ना आए इसलिए समूचे जिले के गारान आज तारीख 26 जनवरी 2023 गुरुवार के रोज प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर परवनी के अनशन मैदान पर रक्तदान कर धरना आंदोलन किया। इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने आंदोलनकर्ताओं से मुलाकात कर हिम्मत दिलाई। इस आंदोलन का आयोजन स्वराज इंडिया के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी करते हुए इस समय विश्वनाथ गवारे, अप्पा राव मोरताटे, कॉम्रेड गणपत भिसे, गणेश उपाड़े, रोहिदास लांडगे, शिवाजी कांबळे, बायजाबाई घोड़े, शिवाजी कांबळे, प्रमोद कुटे, रमेश घनगाव, बंडू गायकवाड़, विजया गायकवाड़, गणेश थोरात, विष्णु घाटूल, ज्ञानेश्वर मोरे, नितिन वैराल, अरविंद हमदापुरकर, उषा जकात, रोहिदास खंडारे, विनुभाई चौरे, भगवान राव सकाराम साळवे के साथ बड़ी संख्या में गायरान धारक इस समय मौजूद थे। आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि लाभिन आंदोलन ज्या ठिकाणी रक्तदान सुद्धा आपण तीन दिवसापर्यंत घेतलेलं आहे। गणपत विषय असतील, सन्मान्य आमच्या ताई असतील, बोरकाटे असतील, आमचे गवारे असतील, आमचे सन्मान्य अरविंद काका देशमुख, सन्मान्य आमचे सपाजी करून आणि सर्वजण इथं उपस्थित झालेले आहेत। तशा प्रकारचा अन्याय शासनानं सुरू केलेला आहे। ज्या गायरानीवर गेल्या कित्येक वर्षापासून 100-100 वर्षापासून लोक राहत आहेत त्या गायरानीवर जर कोण
जेसीबी चालवत असेल आणि त्याच्यामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होत असेल तर या शासनावर 302 दाखल झाली जैन सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा। आज या प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून 26 जानेवारी रोजी गायरन धारकाच्या नायकासाठी त्यांना सातबारा मिळवून देण्यासाठी आज सर्व विविध संघटनेच्या वतीनं जमीन अधिकार आंदोलन, स्वराज इंडिया, लाल सेना, समाजवादी जन परिषद अशा सर्व समविचारी संघटनेच्या वतीनं उपोषण मैदान येथे रक्तदान करून एक दिवसीय धरणे आंदोलन ठेवलेलं आहे, जेणेकरून शासनापर्यंत या गायरनधारकाच्या व्यथा ह्या मांडण्यात याव्यात, लक्षात याव्यात व जी गायरनधारकाच्या विरोधात कारवाई चालू आहे ती तात्काळ स्थगित व्हावी यासाठी हे धरणे आंदोलन ठेवलेलं आहे। परभणी के राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक सूफी संत हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के दौरान लगाए गए जाने वाले नुमाइश के दुकान और वहां के आतराफ के वक्फ बोर्ड की जगह का ठेका गुत्तेदार को दिया गया। इस यह ठेका रद्द करने को लेकर व्यापारियों ने परभणी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर अमर अनशन जारी किया। इस समय महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के CEO जुनेद सैयद, डिप्टी CEO खुसरू खान, जिला वक्फ अधिकारी शेख रफीक, फेरोज शेख, अतीक खान आदि ने अनशनकर्ताओं से बातचीत कर इस विषय पर कुछ ही दिनों में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस समय महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के CEO जुनेद सैयद और अनशनकर्ताओं में हुई बातचीत क्या हुई, इस बारे में आइए जानते हैं। इनके बच्चों की कसम खिला के फोटो इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ आज वहाँ पर। कितने मांगे गए आपसे? 25,000 रुपये गाने के लेंगे बोले, मैंने बोले 20 गाने लेंगे आप, तो बोले 25,000 रुपये गाला देंगे, 20 गाले के आगे देंगे हम तुमको गाले, सामने के 10 देंगे, इधर के 10 देंगे, पौती का कोई वैल्यू नहीं बोले तुम्हारे। 14,260 रुपये की पौती देंगे बोले हम तुमको, किसको बताना नहीं, खाली पौती बताना, कितने में लिए क्या लिए किसको बोलना है, ठीक है, इसका कॉपी है आपके पास? आज तक तुम्हें अपना बोर्ड वालों ने पब्लिक किया तुम का करे, क्योंकि जितने का 176 गाने वहाँ पर अभी नहीं नहीं वो बाहर का बोर्ड है, अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर का बाहर की है, हाँ बाहर की बात करते हैं, बाहर की है, बाहर हाँ अंदर का नहीं, तुम बोलो क्या तो बोल सकते हो, तुम बोलो क्या मांगे, बोलो आपकी क्या मांगे, मेरी मांग ये है कि वो जो टेंडर प्रोवाइड करके वो वक्फ बोर्ड के अनुसार मिलना चाहिए यार, हम आपको बहुत ही वहाँ से मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड से, क्योंकि हमारे पैसे भर के हम दूसरी बात आपके कितने थे वहाँ पर डाले, मेरा एक ही है सर वहाँ पर, लेकिन हमारा क्या कारोबार है, दूसरी को वहाँ पर सस्ते भी ना करता वहाँ पर, मैं तो बात कर बता दो नंबर का डाला है, यहाँ पर पॉलिसी सर, यहाँ तो पूरा तमाशा हो जाएगा, अचानक शुरू होने सर हमारे टेंडर रद्द कराना पड़ेगा, और औकाफ के जरिए से ही मिलेंगी 3600 की 3700 की जो भी पौधी है, आप बताइए जो सालाना नेम रखा तुम जो भी रहेगा तुम पिता का ठगने वाले के साथ बनाओ, हम ले लेंगे यार मुसलमानों को ऊपर आने के वास्ते ऐसा कैसा कर रहे हैं, उनके हिसाब से कर रहे हैं, जिसके उसको गाले देना चाहिए, जिसके उसको गाले देना चाहिए जिसके उसको मिलेंगे, और टेंडर नहीं होगा अगर टेंडर के आपके जरिए से मिलेंगे हम, नहीं रहेंगे तो ऊपर से हम तोड़ने वाले हैं, आप आपके पुत्र का बनवा दें, इसमें अगर कहीं लफड़ा होगा तो जिम्मेदार आप रहेंगे इसके अंदर, हम आपके मारा करा लोग इसके अंदर, वो तो होने वाली बात है, जो कुछ
नहीं दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं रद्द करना पड़ेगा, हम यहाँ जगा न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही हमारे जो न्यूज है आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक और शेयर करना जरूरी है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर हम अपने हमारे न्यूज आप तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।